प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी। जगदीश यादव जी व अन्य नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हुए शामिल। अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य नेताओं के नेतृत्व में जगदीश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की अपने समर्थकों के साथ। क्या बदलाव करना चाहते हैं और किन अपेक्षाओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया? आम आदमी पार्टी से क्यों किया किनारा और भारतीय जनता पार्टी का साथ अब क्या विचारधारा मिला के वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमारे चैनल के माध्यम से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के एवं बड़े गणमान्य नेताओं के नेतृत्व में इस फैसले को लिया गया, क्या कुछ कहा मीडिया के माध्यम से, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। काम किया वहां, अपना नाम अपने काम से स्थापित किया। बलराम तंवर जी दो दो बार के विधायक, और वो नाराजगी से भी हमने वो पार्टी छोड़कर हम भाजपा में आए। और एक आदरणीय हमारे बहुत सीनियर नेता रामवीर विधूड़ी जी, उनको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, उससे प्रभावित होकर भी हम भाजपा ज्वाइन कर। का मतलब ये है कि किसी गरीब बेसहारा और देश के प्रति उसकी प्रगति उन्नति में विश्वास व्यक्त करते हुए जो नेता काम करे उसके साथ खड़ा हुए काम करे। आज देश के एक ऐसे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनका एक सपना कि कोई भी गरीब देश में भूखा ना सोए, जिन्होंने विशेष जाति को लेकर नहीं, ओबीसी से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, जिन्होंने कहा था कि 15% जो पैसे वाले लोग हैं और जो 85% जो गरीब लोग हैं जब तक देश में बराबर नहीं होंगे देश का विकास नहीं होगा। अगर उस सपने को साकार करने के लिए किसी ने सोच किसी में है, किसी ने पहल की, उस नेता का नाम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमारे भगवान राम जिनका देश को आजाद हुए आज 75-76 साल हो गए, भगवान राम का जिन्होंने राम राज्य की बात करते हैं, उनके मंदिर को स्थान और बनाने का किसी ने साहस किया, किसी ने काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश की जो प्रगति की वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के साथ भी काम किया है, लेकिन जो एक देश की उन्नति और प्रगति और गरीब के आंसू पहुंचने का जो सोच किसी नेता में है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी में है। उनको विचारों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं ये आम आदमी पार्टी जो एक झूठे विश्वास आज तक भी एक भी मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया, उनको छोड़कर उनके नेतृत्व में जो पुण्य कार्य है देश के लिए कर रहे हैं उसमें भागीदार बनी। कितने लोगों आज आपने मतलब ज्वाइन किया और कितने लोग आपके साथ, कितने समर्थक? आज तो 200-300 लोग आए हैं, ज्वाइनिंग तो आज हमारे 10 लोगों ने किया है, लेकिन आने वाला भी बहुत खड़े हैं, बाहर बहुत खड़े हैं, और जो मेरे साथ आए हैं वो सभी की उनकी ज्वाइनिंग है। आने वाले समय एक ऐसा होगा कि एक दिन पूरी टीम को, क्योंकि रात को शाम को मैंने 5 बजे फैसला किया है कि मैं ज्वाइन करूं, पूरी टीम के साथ वहाँ हम पूरा इसके अंदर आपको बुलाकर हजारों की संख्या में ज्वाइन कराएंगे। यादव समाज का अध्यक्ष भी है, कितना फायदा होगा बीजेपी को इसको लेकर? यादव समाज के अध्यक्ष भी आप हैं? मैं यादव समाज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो अगर यादव समाज का मान सम्मान देने की किसी ने बात की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर जिस राज्य में यादव 5% है मध्य प्रदेश और उसका सीएम बनाया, पूरा हिंदुस्तान का यादव समाज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं, उनका आसान मन है उनके। हाँ जगदीश यादव जी, आप ओबीसी समाज का मसीहा माने जाते हैं, 76 से लेकर आज तक आपने पीछे मुड़कर देखा नहीं, लेकिन आपके जैसे दिग्गज का झाड़ू तोड़ना क्या मायने? उनके काम ऐसे हैं, ओबीसी का तो विरोधी है, हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो ओबीसी विरोधी नेता है, वो झूठे वादे करने वाले नेता है, वो काम करने वाले नेता नहीं है। वो उनसे किसी गरीब के काम की बात करेंगे उनके पास समय नहीं है। वो झूठी पीछे एक भीम योजना थी जिसमें ओबीसी के एससी एसटी के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, कोचिंग दी जाती थी, उसको बंद कर दिया, बंद पड़ी है।
वो दिल्ली के अंदर एक अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं और जहां बच्चों को एजुकेशन देने की बात है उस योजना को बंद कर रहे हैं। दिखावे के उनके सारे वादे हैं, सड़क पर मौत पर उनका कोई वादा नहीं। 26 साल से बीजेपी दिल्ली में बनवास पे चल रहा है, लेकिन आपके जैसे प्रमुख के आ जाने से लग रहा है क्या उम्मीद की किरण 24 के साथ साथ 25 भी? अभी तो जिस ओबीसी कमीशन का मैं चेयरमैन हूँ, मुझे जो कार दी हुई ओबीसी और ऑफिस दिया हुआ है, अभी तो उसी को लेके आया हूँ। आने वाले 25 में जो मुख्यमंत्री कुर्सी है उसको भी लेके बीजेपी का राज उसमें होगा।